प्रेम से बोलिए राधे राधे। और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:15, और आए हम सोचे पानी वानी पी लिए हैं गर्म पानी फ्रेश होने के बाद, और उसके बाद सोचे थोड़ा पहले झाड़ू लगा लेते हैं उसके बाद चाय पी लेते हैं। तब ईशान को उठाते हैं, आज ईशान का कंप्यूटर और वैल्यू एजुकेशन का पेपर है तो 6 बजे तक उठाते हैं, क्योंकि 7:15 में जाता है ना। तो आप देख सकते हैं सुबह का मौसम कितना अच्छा लगता है ना। और आपके गार्डन के अगर फ्लावर दिख जाए ऐसे में तो कितने खूबसूरत लगते हैं, ये देखिए। अभी तो हालांकि अंधेरा अंधेरा लग रहा है तो साफ नहीं दिख रहा है, रोशनी में भी दिखाते हैं। ये देखिए रोशनी में कितना खूबसूरत लग रहा है ना। फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं चाहे किसी भी रंग के हों। ईशान स्कूल से आ गया है तो हम बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो आया, हालांकि आहट तो मिल ही जाता है, मेरा आँख बंद था तो आए हैं। अब देखिए हाथ पैर धो रहा है और चुपके चुपके कोई शरारत करना चाहता है, लेकिन उसको हिदायत दिए हैं कि पूजा करते समय कुछ नहीं बोलना, तो नहीं बोला। कल छुट्टी है पता है, परसों मैथ है, उसके बाद ग्रामर है। आए बेटा बेटा, और ये पेपर कैसा गया कंप्यूटर का? हाँ हाँ ये नया बैग भैया का है। तो अच्छा गया ना सब? कंप्यूटर में तो क्वेश्चन आंसर छुटा ही होगा। कंप्यूटर में नहीं आया था क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव आया था सिर्फ। तो सब तो बना लिए होंगे तब तो। वो में लिखा हुआ है ना बीएमसी। आओ इधर, बीएमसी मतलब विद्या मंदिर क्लासेज। ये देखिए ये मम्मी के गोदाम में चढ़ा है, ये बच्चा मम्मी के गोदाम में चढ़ा। ईशान आया ना तो हम मतलब नहा के पूजा कर रहे थे। अरे मेरी जानू, तुमको देखे बिना तो मन ही नहीं लगता। एकदम मेरे कमर का, हाँ पीठ का तो बैंड बजा के लड़का रहता है। एक तो कमर पे चढ़ा हुआ है, ऊपर से पैर से मार रहा है। अब इसका हम हालत खराब करते हैं। मम्मा कहाँ पे मार रहे हैं? बटक पे ना तो। कहाँ पे मार रहे हैं मम्मा? कहाँ पे मार रहे हैं मम्मा? बटक पे मार। 11 बज चुके हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि साफ सफाई का बहुत सारा काम किए थे तो अभी दलिया बनाए हैं, बस हो ही गया है तो माँ को भी देते हैं। माँ भी आज कुछ नहीं खाई हैं और उसके बाद हम भी खा लेते हैं और ईशान को भी खिला देते हैं। ईशान सुबह में एक पराठा खा के गया था और इसमें मिर्च नहीं डाले हैं तो हम अपने में 2 मिर्च डालेंगे, क्योंकि बगैर मिर्च डाले तो इसमें स्वाद ही नहीं आएगा। तो अपने में तो डबल मिर्ची हम डालेंगे तब जाकर खाएंगे। तो हम लोग अब दलिया का नाश्ता कर लेते हैं, इसको एक दो बार खौला देते हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, अभी थोड़ा पतला है। और उसके बाद फिर हम लोग गरम गरम दलिया खा लेते हैं। सुबह से ही जो मौसम ख़राब किए था, और अभी देखिए मतलब ईशान के आने से पहले से बारिश हो रही थी हल्की हल्की, हमले की रुक जाए थोड़ा कि मेरा बच्चा घर आ जाए, और उसके बाद तो जो बारिश शुरू हुई है देख सकते हैं, एकदम लग रहा है सावन भादो आ गया। शायद भादो ही होगा, पता नहीं हिंदी में कौन सा महीना है याद नहीं है अभी, लेकिन इस तरह से पूरा रास्ता भी कचर कचर हो गया है, कहीं आने जाने लायक नहीं है। काम था, बाहर निकलना था लेकिन मजबूरी है, अभी तो हम जा ही नहीं सकते। ऐसे में बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता ख़राब हो जाता है बारिश लगातार होने से। रात में भी बहुत बारिश हुई थी, अभी भी हो रही है, और सारा पेड़ पौधा तो एकदम खुश है, हरा भरा हो गया है। लेकिन रास्ता का हालत ख़राब है और कहीं आने जाने लायक नहीं है। देखते हैं धूप वूप निकलेगा उसके बाद जाएंगे। लेकिन ये तो है कि कोई भी फेस्टिवल आने वाला रहता है ना, कोई भी पर्व त्यौहार में इस तरह का मौसम कर देता है। बस अभी ही हो, दशहरा तक ना हो तो अच्छा है, दशहरा में तो बारिश होने के बाद एकदम खराब हो जाता है। लाइफ ना इतनी अनसर्टेन हो गई है, थोड़ा सा तबीयत खराब खराब सा लग रहा होगा ना, आवाज़ भी भारी लग रही होगी, क्योंकि अगर कोई काम कर लेते हैं मतलब कोई काम क्या, काम तो सारा घर का करते ही हैं, बट काम अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर एकदम मतलब इतना ज़्यादा मेरा दर्द बढ़ जाता है, कमर का, पीठ का, पैर का, एक लगता है जैसे बीमार है और फीवर जैसा अंदर से लगता है। तो ऐसा ही अभी लग रहा है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, और फिर भी काम तो करना ही है। जब आप अकेले होते हैं तो आप किसी से क्या ही कहेंगे और क्या ही कोई आपकी हेल्प करेगा, तो वही है। और बेटा ठीक है अभी, कल तो बहुत ज़्यादा पेट में उसके दर्द हो रहा था तो शाम में तो नहीं रहा गया, बोले कि नहीं अब इंतज़ार करने से कोई
फायदा नहीं है, जाकर होम्योपैथिक से उसके लिए दवा लेकर आए। तो वो दवा खाने से भी उसको आराम है और इसी वजह से आज स्कूल भी जा पाया। हालांकि आज तो पढ़ा, मतलब कल पढ़ाई नहीं कर पाया था। 10-15 बार जो बच्चा बाथरूम जाएगा तो पढ़ाई क्या ही करेगा, लेकिन फिर भी आज गया। तो आज तो बताया कि मम्मी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आया था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था और ऑब्जेक्टिव था कंप्यूटर में, तो वो तो कर लिया, वो तो उसको याद था तो वो कर लिया। तब देखिए कल तक क्या कैसे रहता है। अच्छा ही उम्मीद करते हैं, अच्छा ही हो जाएगा और हम भी अच्छे ही हो जाएंगे, लेकिन अभी तो लग रहा है जैसे लेट जाएं, फीवर जैसा पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है। तो लेते हैं विदा, आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।